यह हम लोगों के लिए बेहद जरूरी है। अब एक और जरूरी खबर है, हम चाहते हैं कि चलते चलते आपको वो खबर भी दिखा दें कि झारखंड सरकार राज्य में मुखियाओं का वित्तीय अधिकार बढ़ाने जा रही है। राज्य में मुखिया अब 5 लाख तक की योजनाओं का चेक काट सकेंगे। मुखियाओं का वित्तीय अधिकार बढ़ाने के लिए मंगलवार को कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। एक रिपोर्ट देख लीजिए। झारखंड सरकार राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत करने की ओर बढ़ रही है। राज्य में चल रही गठबंधन की सरकार मुखियाओं का वित्तीय अधिकार बढ़ाने वाली है। अब मुखिया विकास योजनाओं के लिए 5 लाख तक की अनुशंसा कर सकेंगे। अभी मुखिया को सिर्फ 2.5 लाख तक का ही अधिकार था। ग्रामीण विकास सह पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस मसौदे को पारित किया जाना है। योजना जो है ये आपका 4 लाख 4.5 लाख 5 लाख का योजना, आजकल तो हर चीज का दाम बढ़ गया है। और हम लोग जो कुछ जल मीनार जो योजना हम लोग चलाए थे उसका लागत जो है करीब करीब 4 से 5 लाख का बीच का होता है। और पहले जो एक सिस्टम था कि जल मीनार बनाने के लिए जो पुराना चापाकल है उस पर जोड़कर ही करना, तो उसको देखे बहुत फेल्योर हुआ है। इसलिए हम लोग को मुखिया का जो 2.5 लाख रुपया दिया जाता था वो 5 लाख तक का वो स्वीकृत कर सके। राज्य सरकार की इस तैयारी का कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस ने इसे पंचायती राज को और मजबूत बनाने वाला कदम करार दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि पिछली सरकार ने मुखियाओं के पैरेलल समिति गठित की थी, लेकिन हमारी सरकार पंचायती राज के परिकल्पना को साकार कर रही है कि गांव की सरकार गांव में रहे। और इसी के तहत महागठबंधन की सरकार के द्वारा भी हमारे माननीय मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा भी यह परिकल्पना इस राज्य में सार्थक करने का काम किया जा रहा है। पहले राज्य के मुखियाओं को 2.5 लाख रुपये का चेक काटने का आदेश था या उनको अधिकार प्राप्त हुआ था, लेकिन हमारी सरकार ने 5 लाख रुपये तक की चेक काटने का अधिकार दिया है। किसी भी जनप्रतिनिधियों में अगर किसी को विकास योजनाओं के लिए चेक काटने का अधिकार है तो वो है मुखिया। इसी कड़ी में राज्य की हेमंत सरकार इन मुखियाओं को एक बड़ा तोहफा वित्तीय अधिकार बढ़ाकर देने वाली है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन उमेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट।